हेलो एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या लेटेस्ट चेंज आया है आईटी जेई मेंस में। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी है कि सर जो लेटेस्ट चेंज आया है सर, उस वजह से सर किस किस डेट में एग्जामिनेशन होगा, सर एडमिशन फॉर्म कब निकलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एग्जामिनेशन डेट के बारे में, कब उसका एडमिशन फॉर्म होगा, इससे बेनिफिट क्या है और इससे लॉस क्या। तो सबसे पहले जैसा आप लोगों को पता है कि आई टी जेई मेन्स का एग्जामिनेशन 2018 तक केवल एक बार होता था, लेकिन अब दो बार एग्जामिनेशन दिया जाएगा एक साल में, आई टी जेई मेन्स का भी और नीट का भी। पहला फेज़ का जो एग्ज़ामिनेशन होगा आई टी जेई मेन्स का, वो आपका 6 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक होगा, जो कि 8 सेटिंग में लिया जाएगा। फर्स्ट फेज़ का जो एडमिशन फॉर्म होगा वो आपका 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपका फर्स्ट फेज़ का जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी महीने में आएगा। उसके बाद आते हैं सेकेंड फेज़ पे। तो सेकेंड फेज़ का जो एडमिशन फॉर्म आएगा वो आपका फैब सेकेंड वीक से आएगा और उसका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो 7 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में होगा और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका मई का फर्स्ट वीक में होगा। तो ये था आपका एग्ज़ामिनेशन का डेट। नीट का एग्ज़ामिनेशन जो है वो फेब महीने में लिया जाएगा, फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ामिनेशन, और सेकेंड फेज़ का जो एग्ज़ामिनेशन है वो आपका मई महीने में लिया जाएगा। अब इसका पैटर्न क्या, मतलब सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो देखिए, पहले तक क्या होता था, इससे पहले तक कि एक एग्ज़ामिनेशन होता था, तो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट क्या होते थे कि एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से कुछ एक स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर पाते थे, या फिर कुछ स्टूडेंट का तबीयत ख़राब हो गया या फिर घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसके वजह से उनका एग्ज़ामिनेशन कुछ स्टूडेंट का मिस कर जाता था। तो उन सब स्टूडेंट के लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है कि अगर आप एक एग्ज़ामिनेशन मिस भी कीजिएगा तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है दूसरा एग्ज़ामिनेशन का। आप दोनों एग्ज़ाम दीजिएगा, दोनों एग्ज़ामिनेशन में जो आपका बेस्ट एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होगा वही रिज़ल्ट आपका काउंट होगा एडमिशन के टाइम। तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि अब आपको एक ही एग्ज़ामिनेशन के लिए दो दो ऑप्शन है, दोनों एग्ज़ामिनेशन आपको देना है, दोनों एग्ज़ामिनेशन में जो आपका बेस्ट रिज़ल्ट होगा वही रिज़ल्ट आपका काउंट किया जाएगा एडमिशन के लिए। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको दोनों एग्ज़ाम देना। अगर मानिए किसी का फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन मिस भी हो जाता है तो वो सेकेंड एग्जामिनेशन दे सकते हैं, या किसी बंदे का फर्स्ट एग्जामिनेशन बहुत अच्छा चला जाता है तो वो सेकेंड एग्जामिनेशन को मिस कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। इससे ये जो पैटर्न है, ये जो गवर्नमेंट ये जो पैटर्न निकाली है, ये पैटर्न कंप्लीटली स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए निकाला गया है। इससे केवल और केवल स्टूडेंट का ही फायदा है, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम के लिए उसको दो ऑप्शन मिल रहा है और दो ऑप्शन मिलेगा तो क्वाइट ऑब्वियस है कि एक का रिज़ल्ट और दूसरे के रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा, और जिससे आपका जो बेस्ट रिज़ल्ट है वही काउंट किया जाएगा एडमिशन में। अब इसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए, तो देखिए स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज़ बहुत जरूर होना चाहिए, वो अब ये ना सोचे कि सेकेंड अटैम्प्ट या सेकेंड फेज़ वाले एग्जामिनेशन पर फोकस करे, नहीं, वो फर्स्ट एग्जामिनेशन वाले एग्ज़ाम पर फोकस करे। अगर वो जो जनवरी वाला जो एग्ज़ामिनेशन है अगर वो निकाल लेते हैं तो आपके पास बहुत लंबा टाइम मिल जाएगा एडवांस के तैयारी के लिए, आपके पास 5 से 6 महीना मिल जाएगा एडवांस के एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो 5 से 6 महीना बहुत टाइम होता है एडवांस के तैयारी के लिए। सो आपको पूरी तरह से डेडिकेट करना चाहिए अपने आप को जनवरी एग्ज़ामिनेशन के लिए, कि जनवरी का एग्ज़ामिनेशन को ही क्रैक किया जाए। दूसरा, अब जितना भी एग्ज़ामिनेशन होगा सारा का सारा एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन होगा, जनरली स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए हैबिचुएटेड नहीं होते। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूल या फिर आपके आस मतलब अगल बगल में जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसमें कंप्यूटर के लिए, उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन का या ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रैक्टिस के लिए कुछ सुविधाएँ दी, जो कि आप सैटरडे और संडे को जाके कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ डेट के बाद वो अनाउंस किया जाएगा। अभी वो अनाउंस नहीं है, लेकिन ऐसा न्यूज़ है कि गवर्नमेंट जो है वो आपका जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रही है। तो आप वहाँ से जाके ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि अब सारा एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा।
एग्जामिनेशन का जो डेट है वो आप अपने चॉइस के अनुसार दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट फेज का जो एग्जामिनेशन है वो आपका 6 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक है, 8 सिटिंग में है। तो 8 सिटिंग में है तो उस 8 सिटिंग में आप किसी भी एक सिटिंग को अपने कंफर्ट के अनुसार चॉइस कर सकते हैं। तो ये था आपका एग्जामिनेशन चॉइस के लिए, मतलब एग्जामिनेशन किस डेट में दिया जाए, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ये आपके बेनिफिट के लिए बनाया गया है, या आप जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लिए वो पूरी तरह से आपके बेनिफिट के लिए बनाया गया है। दूसरा, एडवांस का एग्जामिनेशन केवल एक बार होगा, केवल जेई मेंस और नीट का एग्जामिनेशन दो बार होगा, एडवांस का एग्जामिनेशन एक ही बार होगा। और तीसरा चीज़ जो है, पहले क्या होता था, जेई मेंस का एग्जामिनेशन हुआ या नीट का एग्जामिनेशन हुआ, इसको CBSE कंडक्ट करती थी। लेकिन अब जेई मेंस का एग्जामिनेशन या नीट का एग्जामिनेशन या IIT एडवांस का एग्जामिनेशन CBSE कंडक्ट नहीं करेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाया, एक सिस्टम बनाया है, NTA। NTA ही सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगी। NTA चूँकि एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगी तो ये भी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि अगर मानिए थोड़ा बहुत भी कुछ इधर उधर होता था, हालांकि कभी हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन मानिए इनकेस कभी भी इधर उधर थोड़ा होता था तो अब वो सब कुछ नहीं रहेगा, पूरी तरह से फेयर एग्ज़ाम होगा। तो इसका लाभ उठाएं, अच्छे से एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें। थैंक यू वेरी मच।